जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो 30 लाख नौकरियां हम भर के आपको दे देंगे। टेस्टिंग की आउटसोर्सिंग हो रही है, चेकिंग की आउटसोर्सिंग हो रही है, इसको हम बंद कर देंगे। अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। चुनाव के ऐलान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। इन दिनों प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी के सभी नेता अपनी रैलियों में मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं और इसी स्लोगन से 2024 की सियासी जंग फतह करने का प्लान है। इस बीच बीजेपी की मोदी की गारंटी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने रोजगार गारंटी का दांव चला है। 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो आज खाली पड़ी हुई हैं। 30 लाख, जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो 30 लाख नौकरियां हम भर के आपको दे देंगे। राजस्थान से गुजरात पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 5 गारंटी वाला सियासी दांव चला है। राहुल गांधी की पहली गारंटी नौकरी की है, जहां उन्होंने 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा तो किया ही, साथ ही पेपर लीक समेत 5 बड़े वादे किए। पहला अनाउंसमेंट कि 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो आज खाली पड़ी हुई हैं। 30 लाख, जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो 30 लाख नौकरियां हम भर के आपको दे देंगे। हम एक नया कानून लाएंगे जो ये जो पेपर की आउटसोर्सिंग हो रही है, टेस्टिंग की आउटसोर्सिंग हो रही है, चेकिंग की आउटसोर्सिंग हो रही है, इसको हम बंद कर देंगे। सिर्फ सरकारी संस्थाएं एग्जाम दे पाएंगे और अगर किसी ने पेपर लीक करवाया तो उस पर जबरदस्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई एकदम हम शुरू कर देंगे। बता दिए कि कांग्रेस 5 मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकली है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि न्याय यात्रा 5 स्तंभों पर खड़ा हुआ है, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, जिनमें से पार्टी ने 3 पर गारंटी दी है। रोजगार गारंटी के साथ पार्टी ने MSP कानून की भी गारंटी दी है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं। हमने किसान न्याय को लेकर कहा है कि MSP को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, यानी कि MSP को एक विशेष कानून बनाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाएगा। ये किसान और किसान संगठनों की मांग है। बहरहाल लोकसभा की जंग में गारंटी के इस सियासी खेल में बीजेपी के नक्शे कदम पर अब कांग्रेस ने भी गारंटी वाला दांव खेला है। अब देखना होगा कि चुनावी रेवड़ियों के इस नए नाम यानी गारंटी वाला ये दांव कितना कारगर होता है और लोकसभा चुनाव में जनता किसकी गारंटी पर मुहर लगाती है।